टाइम से नव भारत के बहुत हम आभारी हैं। उन्होंने हमारे को तन मन से हमारा सहयोग दिया और लगातार 16 तारीख से हमारे पास साथ जुड़े रहे। हमारा जो भी संघर्ष था उनमें इन्होंने बहुत ही हमारा सहयोग दिया है। धन्यवाद। सबसे पहले टाइम्स नाउ और भारत नाउ के आभारी हैं जिन्होंने हमारी ये खबर ब्रेक की जो पाकिस्तान थे उनके घर तोड़े गए, हमें बेघर किया गया। पूरा मीडिया के सामने जो हमें आश्वासन दिलाया हम उनसे संतुष्ट हैं। चार महीने पहले प्रशासन द्वारा अतिक्रमण के नाम पर हटाने के लिए वहाँ एक दो घरों को तोड़ा गया, तो फिर हम जो है अपने कलेक्टर महोदय के पास में और अन्य जो प्रशासन के पास में मांग अपनी लेकर गए थे, भाई हमको जगह बता करके वहाँ बसाया जाए। उसके बाद में फिर जेल दी गई थी। बाद में हमें फिर 16 मई को जो है उस वक्त फिर हमारे साथ ये मतलब घरों को तोड़ दिया गया था। फिर हमें आक्रोश हुआ, हमने जब घर सारे तोड़ दिए गए तो फिर हम पूरा धरना लेकर के धरना कलेक्टर के सामने हमने दिया और कहा कि भाई हमारे वास्तव में हम कोई अतिक्रमण वाले लोग नहीं थे, हमारे वास्तव में कहीं कोई जगह नहीं थी, तो हमारे जैसे घर तोड़े गए अब हम कहाँ जाएं, हमारे घरों को वापस वहाँ में बसाया जाए। तो उसको लेकर के हमारा एक दो दिन धरना चला, हम वहाँ रहे। उसके बाद में हमें जो है कलेक्टर महोदय के नेतृत्व में प्रशासन द्वारा हमें बुलाया गया। वहाँ हमारे 3 से 4 घंटे बैठक हुई। उस बैठक में हमारा हमसे ये समझौता तय हुआ कि हमारा जो धरना है वहाँ से 7 दिन के लिए रैन बसेरा जो है उस रैन बसेरे में शिफ्ट किया जाएगा। वहाँ पर रहने खाने पीने की सारी जो सुविधाएं हैं वह प्रशासन द्वारा ही मुफ्त मुहैया कराई जाएगी और 7 दिन के बाद में हमें जगह दिखाई जाएगी जिसमें हमारे भी लोग होंगे, कमेटी बनेगी और वो जो तय करेंगे, हम चूज करेंगे जगह, उस जगह पर हमें बसाया जाएगा। तो अभी 1 दिन चला गया, अभी 6 दिन बाकी है और यहाँ पर अभी हम जो रह रहे हैं रैन बसेरा में रह रहे हैं, यहाँ अभी हमें वास्तव में सुविधाएं सारी मिल रही है। जो हमारे मकान बनाए हुए थे वो सरकार ने सब तोड़ दिए, जेसीपी आई थी और लेडीज पुलिस भी थी, सब आए, हमारे घर वगैरह सब तोड़ दिए गए और उसके बाद हम चले गए कलेक्टर ऑफिस। वहाँ जाके हम लोगों ने धरना दिया और टाइम सुनो चैनल आया और मीडिया वाले भी सब आए और उन लोगों ने हमारी बात रखी, सब बात फैलाई और उन लोगों ने बहुत अच्छा ही किया। उसके बाद हम लोगों ने धरना दिया कलेक्टर ऑफिस के सामने जाके, फिर जाके कलेक्टर ऑफिस में मैडम ने और हमारी सुनवाई भी की, 7 दिन की हमारी मोहलत दी हमें और बुलाए कि आपको घर भी दिया जाएगा, मकान भी जो आपके टूटे हैं वो भी आपको वापस बना के दिए जाएंगे, 7 दिन की मोहलत दी है और हम 7 दिन का इंतज़ार कर रहे हैं और यहाँ हमें हमारे खाने पीने की व्यवस्था सब बहुत अच्छी है। जी और नव भारत के बहुत हम आभारी हैं। उन्होंने हमारे को तन मन से हमारा सहयोग दिया और लगातार 16 तारीख से हमारे पास साथ जुड़े रहे। हमारा जो भी संघर्ष था उनमें इन्होंने बहुत ही हमारा सहयोग दिया है। बाद में हमने उधर मैडम जी कलेक्टर के पास उधर धरना दिया था, उसमें भी इन्होंने बहुत हमारे को सहयोग दिया, धन्यवाद, हम इनके आभारी हैं। और उसके बाद हमें प्रशासन ने और मैडम जी ने 7 दिन का टाइम दिया। 7 दिन में इधर रसोई का बहुत ही अच्छा इंतजाम किया, हमारे रहने का उठने बैठने का बहुत ही व्यवस्था अच्छी की है। हम 7 दिन में उम्मीद करते हैं कि हमें हमारी जो भी मांगे पूरी हो जाएगी, उस पे हम बहुत ही खुश हैं और हमें खुशी है कि प्रशासन हमारा सहयोग बहुत अच्छा करेगा। धन्यवाद। सबसे पहले टाइम्स नाउ और भारत नाउ के आभारी हैं जिन्होंने हमारी ये खबर ब्रेक की। बहुत दुखद घटना हुई थी 16 मई को ग्राम पंचायत अमर सागर के अंदर जो पाकिस्तान थे इनके घर तोड़े गए, हमें बेघर किया गया। 2 दिन का जो धरना था हमारा, उसके बाद कलेक्टर महोदय ने पूरा मीडिया के सामने जो हमें आश्वासन दिलाया हम उनसे संतुष्ट हैं।
जो व्यवस्था हमारे यहाँ रैन बसेरे में की गई, इससे भी हम संतुष्ट हैं और हमें पूरा विश्वास है कि प्रशासन के द्वारा जो हमसे 7 दिन का टाइम लिया गया, टाइम रहते हुए हमारी तमाम मांगे मांगी जाएगी और हमें रहने के लिए अल्टरनेट कोर्स का हल निकाला।